कोट वाले ने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक को संदेह होने पर बूढ़े वाले हरिपुर रोड पर रोका। जब उस मोटरसाइकिल के कागज मांगे गए तो वह नहीं बता पाया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल चोरी का होना बताया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर गहन पूछताछ की तो आरोपी के पास 5 और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिसमें 2 सेट से चोरी की गई थी। बाकी मोटरसाइकिलें पर 34 नंबर घिसे होने से वह मध्य प्रदेश के बाहर की बताई गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ के दौरान 1 गाड़ी जिले से और 2 शहर की चोरी की पाई गई है। बाकी 4 गाड़ी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए बाहर चुराई गई बताया गया है। इसमें कल रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान हरिपुर रोड पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर भागीरथ और हमारा अन्य स्टाफ लगा हुआ था। वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अचानक रोकने पर गाड़ी को छोड़ के भागने का प्रयास किया। जब भागा है तो उसको फोर्स की मदद से पकड़ा गया, और जब गाड़ी के बारे में पता किया गया तो वो गाड़ी जो है उसके पास उसके कोई कागज़ नहीं थे, ना ही उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन था, ना गाड़ी ऑनलाइन देखने पर भी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं आई थी। जब उससे पूछताछ की गई तो वो गाड़ी चोरी की होने का संदेह हुआ, उसको लेकर थाने पर आए, उसके बारे में जानकारी ली तो वो गाड़ी चोरी की थी और वो अपने ज़िले से ही चोरी की गई थी। उसको पूछताछ करने के बाद जब उससे गंभीरता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा 2 गाड़ियां अपने ज़िले की और 4 गाड़ियां ऐसी बताई गई जो कि इंजन नंबर, चेचिस नंबर कुछ के घिसे हुए थे, कुछ के दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड MP में नहीं पाई गई। तो उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर पता करके और उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। वो 4 गाड़ियां भी चोरी की हैं और जो 2 गाड़ियां हैं वो अपने ज़िले से चुराई थी, तो कुल 6 गाड़ियां इससे बरामद की गई हैं। भाई साहब, इसमें मुख्य आरोपी कौन है, क्या पूछताछ में पाया गया कुछ ऐसा? मुख्य आरोपी जो घटनास्थल पर पकड़ा गया था वही मुख्य आरोपी है। इसके अलावा और कोई इसमें? इसके अलावा अन्य नहीं, इसने जो भी वारदातें की हैं अकेले ही की हैं। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि ये आरोपी खुद ही मोटरसाइकिल चोरी करता था, इसके पीछे कोई गैंग नहीं है।